अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक्चुअली ना आज मैं सुबह से वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई थी क्योंकि आज संडे था और मैं ना काफ़ी लेट उठी थी सोकर, क्योंकि संडे ही हम लोग को मिलता है आराम करने के लिए, वरना वैसे बाकी दिन तो रिदान की क्लास होती है, इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन आज जो है ना मैं लेट उठी थी और उसके बाद मैंने आज कुछ खास रेसिपी भी नहीं बनाई थी, सिर्फ दाल चावल बनाए थे मैंने, तो इसलिए मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट किया है तो फिर चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और देखिए रिदान और रीफा भी नीचे गए हुए हैं खेलने के लिए, मतलब हमारे बिल्डिंग का जो कंपाउंड है ना वहाँ पर ये लोग बच्चे लोग खेलते हैं शाम के टाइम पर। और देखिए ये लोग हाई कर रहे हैं, मतलब मैंने इनसे कहा था कि हाई करो। तो मैं ना दही वड़े बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर उड़द की दाल सुबह में ही भिगो कर रखी थी। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से भीग चुके हैं, क्योंकि 3-4 घंटे पहले अगर आप भिगो कर रख लो ना तो फिर वो एकदम अच्छे से भीग जाती है दाल। और अब ना उसको मैं मिक्सर में बारीक पीस लूँगी। मैंने साथ में यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब एक बिल्कुल थोड़ा सा अदरक लिया है और सिर्फ 4 लहसुन के जो बीज होते हैं वो लिए हैं और 1 मैंने मिर्ची ली है। तो अदरक लहसुन 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालकर ना इसको अच्छे से पीस लेंगे। और मैंने ना एक साइड में यहाँ पर तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ये जब हम बना रहे होते हैं ना तब चाहिए कि तेल जो है ना वो अच्छे से गरम होना हुआ हो। और फिर मैंने ना यहाँ पर मिक्सर में दही को भी इस तरह से चला कर ली, क्योंकि दही में भी जो गाटी गाटी होते हैं ना वो सारे प्लेन हो जाना चाहिए। और फिर मैंने उसमें शक्कर डाला है, शक्कर आपको जितना मीठा चाहिए आप अपने हिसाब से अपने अंदाजे से शक्कर इसमें डालिए, मुझको जितना चाहिए था मैंने उतना डाला है। 3 चम्मच मैंने शक्कर यहाँ पर डाली है इसमें दही में। और इसमें भी जो है ना हमारा जो वड़े का बैटर है इसमें भी हमें नमक वगैरह डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर फ्राई करने के लिए लेते हैं वड़े। देखिए सारे वड़े जो है वो मैंने एक बॉल में इस तरह से निकाल लिए और ऊपर से मैंने दही डाला है और अब मैं उस पर डालूँगी हल्का सा चाट मसाला और थोड़ा सा डालूँगी रेड चिल्ली पाउडर और फिर मैं डालूँगी इस पर फ्रेश फ्रेश हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स दही वड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दही वड़े बने हैं। और चलिए फटाफट से, अगर आपको पसंद आई है मेरी ये रेसिपी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे बने हैं।
ये देखो इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं दही वड़े, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी है, सबको आएगा बनाने के लिए, कुछ मुश्किल काम नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।